माँ आप लोग यहाँ वहां हॉस्पिटल में इनकी दादी मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा। बचपन में भी जब मार लगाई थी तब यहीं आ गई थी ना गुस्सा होकर, इसीलिए इस बार भी मैं ही तुझे लेने आ गई हूँ जैसे तब आई थी। अब सब यहाँ हैं तो वहां हॉस्पिटल में इनके पास कौन? अकेला है वो, कोई नहीं है उसके पास। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते, उन्हें अकेला कैसे छोड़कर आ सकते हैं आप लोग? अच्छा गलत हमने किया? गलती तो तूने की है ना, तू अकेला छोड़ के आई है उसे, और हमसे कह रही है कि हम उसे अकेला छोड़ के कैसे आ गए? उसे हमारी नहीं तेरी जरूरत है। मेरी जरूरत नहीं है उन्हें, ये बात समझने में मैंने बहुत देर लगा थी, लेकिन आप सब जितनी जल्दी समझ जाए बेहतर होगा। और ये भी जान लीजिए कि मैं उनकी जिंदगी में वापस अब नहीं जाऊंगी। प्रज्ञा तू बेकार की बातें मत कर और चल मेरे साथ। बेकार की बात नहीं कर रही मैं उनकी उम्र बढ़ाने की जगह और घटा रही हूँ। उनकी बीवी नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन के रह रही हूँ उनके साथ। उनकी हर परेशानी हर तकलीफ की वजह मैं। क्या बोल क्या रही है, जानती भी है ना तू अभी की पत्नी उसकी खुशियों की वजह हो सकती है, उसकी दुख और तकलीफों की नहीं। हाँ मैं हूँ, उनकी हर दुख उनकी हर तकलीफ की वजह मैं हूँ। हीरे लेते वक्त कस्में खाई थी मैंने, उन पर कोई भी मुसीबत आए उससे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। यहाँ उल्टा ही हो रहा है, जो मुसीबत मुझ पे आ रही होती है मैं उन पर ढकेल देती। सच हमारे सामने है माँ, हम आगे तो नहीं बंद कर सकते ना। पता नहीं कौन सी सुबह का इंतजार कर रहे हैं जो अंधेरा ही नहीं खत्म हो रहा। लेकिन अब मैंने सच्चाई देख ली और मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अब बस बहुत हो गया ये सब और नहीं होगा। हर बार मेरी वजह से इनकी जान खतरे में नहीं जाएगी, पिछली बार भी यही हुआ था। तनु और आलिया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक्सीडेंट उनका हुआ, याददाश्त उनकी गई। इस बार भी वो गुंडे मुझ पर गोली चलाना चाहते थे लेकिन गोली लगी उन्हें। हर बार हर जगह मेरी वजह से वो तकलीफ में जाती। और आलिया ने ठीक ही कहा ना, पत्नी पति की परछाई बनकर उसके साथ रहती, लेकिन वही परछाई अगर उसकी जिंदगी का मनहूस साया बन जाए ना, पति को हमेशा उस साये के अंधेरे में रहना पड़ता। हो सकता है मैं उनकी जिंदगी का मनहूस साया हूं, लेकिन मैं उन्हें अंधेरे में नहीं जीने दूंगी। ओए आलिया की कही बात तेरी समझ में आती है? हम जो बोल रहे हैं हमारी बात तेरी समझ में नहीं आती? ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं, हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की, हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं उसकी नहीं हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। माई माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी माई इच्छा से